नमस्कार। बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। तो आज सबसे पहले बसंत पंचमी की पूजा करेंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, उसके बाद आज शाम को बजरंग द्वार जाने का प्रोग्राम है। देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो पहले तो कर लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा। आज इतना अच्छा दिन है, पावन दिन है बसंत पंचमी का, तो इस दिन अपन ठाकुर जी की पूजा करते हैं बसंत पंचमी को, तो हम भी कर लेते हैं। चलते हैं बजरंग दौरा। जैसे मैंने पहले बताया था कि बजरंग दौरा जाएंगे आज, साथ में मानस है, मयंक है, तीनों मिलके जाएंगे। बजरंग दौरा बीकानेर से 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। आज शनिवार भी है, बसंत पंचमी भी है, तो इस अवसर पर हम बजरंग दौरा जा रहे हैं। वहाँ बजरंग दौरा में हनुमान जी के दर्शन करेंगे और थोड़ी देर वहाँ घूमेंगे। तो चलते हैं अभी बजरंग दौरा। ऊंचाई पर है तो वहां से देखो वो रहा बजरंग दौरा, यहाँ से वो दिख रहा है, वो झंडी दिख रही है बाबा की, वहीं जा रहे हैं। शानदार दृश्य है, पुलिये के ऊपर से पुलिये से नीचे उतर रहे हैं। बजरंग दौरा के नजदीक पहुंच गए हैं। नजदीक की सोबासर गांव है, तो यहाँ गांव से लोग आते जाते रहते हैं। ये देखिए बजरंग दौरा धाम, देखिए बजरंग दौरा धाम। हम अंदर प्रवेश कर गए हैं, थोड़ी दूर सामने बजरंग दौरा दिखाई दे रहा है मंदिर। आवाजाही लगी रहती है, दिन भर दर्शना की आते जाते रहते हैं। यहाँ पूर्णिमा त्यौहार होते हैं तो यहाँ उत्सव जैसा लगा रहता है, उत्सव जैसा होता है। आम दिनों में भी लोग आते रहते हैं। देखिए वो औरतें उधर से आ रही है, बच्चों के लौट रही है। पहले यहाँ चारों तरफ दोहरे ही दोहरे थे, सड़क बनाने का काम जो है खत्म से हो गया, जंगल जैसा हो गया था। पहले ये जंगल जैसा नहीं था, पहले यहाँ दोहरे थे, अरे दोहरा में मारते थे, दोहरा में क्यों नहीं चप्पल ओपल खोल देते हैं। यहाँ मैं चप्पल खोलने जाता हूँ। ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये देखिए पीछे के बजरंग दौरा का पीछे का क्षेत्र, पहले यहाँ दौरा हुआ करता था। चलो चलते हैं बजरंग दौरे से, चाय पी लेते हैं। देखो चाय, देखो मेरी चाय है। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नई शुरुआत। आज हम जाके आए हैं 5 फरवरी
2022 एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो हम बजरंग द्वारा जाकर वापिस आ गए हैं, भगवान के दर्शन किए और कुछ देर वहां घूमे। आपने भी दर्शन किए होंगे और एंजॉय लिया होगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप परछाइयां देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए।